सबकी लाइफ में ऐसा मूवमेंट्स आते हैं, बट मेरी लाइफ में साल में एक ही बार इसी टाइम पे आते ही आते हैं, जैसे अगस्त और सितंबर या फिर सितंबर टू अक्टूबर के बीच में। और अभी अगस्त और सितंबर के बीच में पिछले वीक में मेरी आईज में एक छोटा सा इन्फेक्शन हुआ था, बहुत छोटा सा, मुझे लगा माइनर है, ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक नहीं हुआ, वो इंक्रीज़ हो गया ड्यू टू मेरी गलतियों की वजह से। ऑफकोर्स मैंने केयर भी की होगी अच्छे से, जब भी नहीं उसको मैं उसको सही करने के लिए मैंने दवाइयाँ ली, दवाइयाँ खाई, उससे मेरा डाइजिंग तो ख़राब हो गया लेकिन मेरी आईज ठीक नहीं हुई कोई बात नहीं। फिर मैं सैटरडे में घर आ गई कि मेरे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो सैटरडे की रात को जब मैं सो के सुबह संडे में उठी, मेरे एक और निकल के आई, जैसे किसी ने पंच मारो कि भाई एक क्यों है, दो क्यों नहीं है, दो हो गई है, और वो ऊपर और नीचे मेरे फेस को उन्होंने ऐसे स्वेल करके रखा है। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ कुछ भी करते रहे तो कोई कहता है किसी ने आई इसको पंच मारा क्या, इसको नहीं है, इसको क्या हो गया। पहले मैं जैसे मेंढक की थी और बहुत ज़्यादा हो गई है, जब तो सुनने में भी बुरा सा लगता है यार, कोई नहीं चलो हो जाएंगे ठीक है। फिर अब मैं कल पापा के साथ डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो मैंने उनसे दवाई के लिए बोला, तो उसमें बोला कि डाइजिन की भी दवाई है ऐसे लेना कि मेरे नॉर्मल रहे, कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर डाइजिन ख़राब हो जाता है तो तुम्हारी पूरी बॉडी में कोई मतलब ही नहीं बनता अच्छा होने का, उससे तुम्हारे फेस पर सारा वो बोला। और फिर मुझे एक चीज़ की टेंशन है कि मैं कल ऑफिस ले जाऊँ, वाई विद मी, मेरे बॉस को लगेगा ये लड़की भाग गई है घर जाके मौज ले रही है, काम करती नहीं डरती है, मैं क्या कहूँगी, उन्हें कहना तो पड़ेगा क्योंकि मेरी कल फिर से अपॉइंटमेंट है, इंजेक्शन्स लगेंगे इसके, मेरे को दो बॉस हैं एक साथ, इसलिए मुझे एक चीज़ का ऑर्डर है, वो है फ्राइडे में 2 सितंबर को मेरी प्रेजेंटेशन है, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप करके कॉलेज है, उसमें है मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपर के थ्रू, तो मैं पता नहीं क्या ही कहूँगी वहाँ पर, क्योंकि मेरी आईज इतनी अच्छी है नहीं कि मैं लैपटॉप फ़ोन वगैरह अभी तक चला सकूँ सीरियसली। मेरे एक हफ्ते से लैपटॉप फ़ोन टीवी सब बंद है, क्योंकि इसकी वजह से मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, अगर इस पर जोर डालूंगी तो ये मुझे अफेक्ट करेगी, ऑफकोर्स ये मुझे अफेक्ट तो कर ही रही है, मैंने पूरे चेहरे को सुझा के रखा है अच्छे से, इसके चलते मैं कुछ वैसे कुछ चिली टाइप का खा भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि अफेक्ट करती है ये उसमें भी। और तो और मैं अगर उस प्रेजेंटेशन को अटेंड नहीं कर पाऊँगी तो मेरा प्रमोशन कैसे होगा, कैसे मेरे अच्छा डेवलपर बनूंगी मैं, मम्मी ओके मैं कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। इंजेक्शन से तुमको डर लगता है? मुझे तो बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, कल मेरे इंजेक्शन लगेगा मैं सोच सोच के अभी से दवाइयाँ ठीक है यार। और पता है रात में जो वो दवाइयाँ लगाते हैं जो होता है क्यूब टाइप का जो आंखों में लगाने के लिए दिया जाता है, वो जो नाक से ऐसे थू होती है ना रात में सोते टाइम, मैं मम्मी से कह रही थी मम्मी ऐसा क्यों टेस्ट कर रही है, मम्मी कह रही ऐसे होता है, कोई बात नहीं करना पड़ेगा, इट्स अ फील बैड, आई डोंट वांट टू डू दिस अगेन एंड अगेन, प्लीज गॉड।